क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यू टी गिवेन है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एफ टू टू एफ टू, यू टी इज इक्वल टू जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी यू टी की इमेज जीरो पे जा रही है, बट टी यू जीरो नहीं है, यही शो करना है, ये तो जीरो पे जा रही है बट टी यू जीरो पे नहीं जा रही है, ये हमें बताना है, ऐसे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करोगे तो खुद ही एज्यूम करना है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है यू एक्स कॉमा वाई जो एक्स कॉमा जीरो है, टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई है, इन दोनों का यू टी कर दो तो वो जीरो बन जाएगा और टी यू कर दो तो वो जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, जस्ट थिंक अबाउट दी, ये टू 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 में जा रहा है तो वी हैव टू थिंक टू क्रॉस टू मैट्रिसेस और जिसका प्रोडक्ट जीरो हो रहा होगा और ए बी करने पे जीरो हो रहा होगा, बी ए करने पे नॉन जीरो हो रहा होगा, तो ऐसे तो मैट्रिक्स बहुत आप सोच सकते हो। सपोज मैंने ये सोचा, ठीक है, जरूरी नहीं है आप मैं ये सोचा है तो आप भी यही सोचो, बहुत हो सकते हैं। तो 1,0, 0,1, 0,0, 1,1, देखो ए, अगर ये ए है ये बी है तो ए इंटू बी करो तो ये जीरो आ रहा है, बी इंटू ए करो तो नॉन जीरो आ रहा है, तो इससे बनने वाला ट्रांसफॉर्मेशन सपोज, अब एक्चुअली लिखना तो ये लिखने के लिए हमने ये सोच लिया एक बार के लिए, तो मैंने बताया था आपको अगर एफ एन टू एफ एम है तो डायरेक्ट जो इसके जो कोफिशियंट होते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं और बोल देते हैं भाई यही मतलब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैंने क्या किया, अगर ये मैट्रिक्स मैंने सोचा है तो यहाँ से बनने वाला जो भी होगा वो एक्स कॉमा जीरो है ना, ये अगर आपने ये सोचा है, बस ये लिखने का और बनाने का एक तरीका है, जैसे अगर आपने ये सोचा है तो यहाँ से बनने वाला जो भी बना होगा ये मैट्रिक्स, तो आप ये सोच सकते हो ये फर्स्ट ये मेरा नॉन जीरो वन है तो वन इसका कोफिशिएंट वन कर दे और प्लस जीरो इंटू वाई यानी जीरो आ जाएगा, सेकंड में जीरो इंटू जीरो है तो जीरो एक्स प्लस जीरो वाई तो मैं जीरो कर देता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये सोचा। सेकंड के लिए अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो फर्स्ट जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई, तो ये मैंने सोच लिया और ये मैंने बना लिया, और ये जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वाकई रिजल्ट भी वो देगा क्योंकि हमने ये सोच के किया है ना। तो मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम चीजें देख बना भी सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी यू आप देखो जस्ट कंपोजिशन है और कुछ नहीं है, ये यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स कॉमा जीरो है तो टी ऑफ एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा, टी ऑफ एक्स कॉमा जीरो क्या होगा, t of x comma y 0 comma x plus y है तो ये 0 comma x हो जाएगा, तो ये तो नॉन जीरो आ गया बट ये जीरो है, तो यू टी जीरो है, टी यू नॉन जीरो है, तो ये हम ढूंढ सकते हैं इसमें। अब रिलेटिव मैट्रिक्स बना दो, रिलेटिव मैट्रिक्स अगर बनाते हो तो ऑफकोर्स ये जो हमने सोचा है वही आएगा, सिंपल। तो ये खैर मैंने ऑलरेडी बता चुका है, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल ए इज डायगोनल इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे ए आई जे, डेल्टा आई जे इज द क्रोनेकर डेल्टा वेयर डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये क्या है, जस्ट डेफिनेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस डायगोनल में ए बी सी इस टाइप के होगा, बस एल्स वा जो भी अदर एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो कुछ भी मे बी सेम। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 टी क्या है, लीनियर है फ्रॉम वी टू बी एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट इफ एंड ओनली इफ आर टी इज द सबसेट ऑफ एन टी। ये एक्चुअली लाइजस लाइक ए थियरम हमें शो करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी जीरो, टी जीरो क्या होता है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन,
आर टी अगर सबसेट है एन टी का, टी अगर वी टू वी में डिफाइंड होता है तो इसको लीनियर ऑपरेटर भी हम कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर। मतलब सेम टू सेम में अगर आपको कहीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द लीनियर ऑपरेटर। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट है। तो भाई ये हमें पता है, ये आर टी क्या होता है, एन टी क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट है, ठीक है। अगर ये है तो ये है, ये तो ये। तो देखो पहले मुझे ये शो करना है, तो वाई बिलोंग्स टू आर टी है, तो वाई को मैं किसमें दिखा दूंगा, एन टी में, तो मेरा सबसेट हो जाएगा। तो ये y मैंने rt का लिया, इसमें कोई ना कोई वेक्टर होगा जिसकी इमेज y बन रही होगी, बट t ऑफ स्क्वायर करने पे जीरो जीरो है, क्योंकि देखो t ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, t ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू t नॉट है, तो t स्क्वायर x इज इक्वल टू t जीरो x, और इसका जो इमेज होगा ऑलवेज जीरो पे जाता है। सो t ऑफ y क्या होगा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, y belongs to nt दिखाना है, t of y अगर 0 आ जाता है y belongs to nt हो जाएगा। सो t of y is equal to t of x, y की वैल्यू क्या है, t of x, तो t of x t square x हो जाएगा, सो इट विल बी 0, देयरफॉर y belongs to nt, सो rt इज द सबसेट ऑफ nt, क्लियर। तो हमने यहाँ पे ये यूज कर लिया। नाउ कन्वर्सली एक्स बिलोंग्स टू वी, टी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर टी, एट टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी जीरो हमें शो करना है। देखो आर टी एन टी सबसेट है ऐसा, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने देखा, ऐसा सोचना कभी, ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे कहीं वी टू वी है, आर टी यहाँ है और एन सॉरी एन टी इधर है, आर टी यहाँ है ना, आर टी यहाँ है, फिर भी यहाँ पे कह रहा है आर टी इज अ सबसेट ऑफ एन टी, हमने ऑलरेडी शो कर चुके हैं। ये वी सेम है, ये वी सेम होने की वजह से जो भी एलिमेंट इस वी में वो भी यहाँ पे, और एन टी आर टी में रिलेशन हमें देखने को मिल गया, आर टी इज सबसेट ऑफ एन टी, अगर ऐसा हो रहा है तो। अब हमें क्या दिखाना है, अगर आर टी एन टी का सबसेट है, ये आर टी जो है एन टी का सबसेट है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट दिखाना है। जैसे भी वी के एलिमेंट के लिए टी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर टी, ठीक है, क्योंकि एक्स अगर यहाँ है, यहाँ कोई ना कोई इमेज होगा वो आर टी में ही जाएगा, तो आर टी, सिंस आर टी सबसेट ऑफ एन टी, तो टी ऑफ एक्स जो होगा वो एन टी का भी होगा। टी ऑफ एक्स अगर एन टी का हो गया, तो टी ऑफ एक्स को अगर एन टी का एलिमेंट है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा, तो एलिमेंट मेरा टी एक्स है, तो टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट, क्लियर। सो वी आर डन। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो भाई आप रियल में कर चुके हो, यहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि रियल में क्या है कि आपने ये किया है, यू टी इज वन वन है तो टी वन वन है, यू टी इज ऑन टू है तो यू ऑन टू है, यू एन टी वन वन ऑन टू है तो यू टी क्या है, वन वन ऑन टू है, ठीक है। तो ये फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन में आप कर चुके होंगे, पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम यूज होता है, तो आप ये कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन है ही, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट 2.4 एंड 2.5।